हेलो एवरीवन, जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है वो बेनितो मुसोलिनी है। ये इटली के डिक्टेटर हुए हैं और एक डिक्टेटर होते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि डेमोक्रेसी एक राजाहीन साम्राज्य होगा जो कि बहुत सारे राजाओं से संक्रमित होगा अगर उन राजाओं को मीडिया के द्वारा पब्लिक के सामने एक्सपोज होने का डरना हुआ तो। तो आज ये स्टेटमेंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक यही है कि डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल है क्या, क्या मीडिया अपना रोल ढंग से निभा रही है या नहीं। जैसे कि एक चीज़ एक हम जर्नल प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि जब भी हम शाम को टीवी पे न्यूज़ देखने के लिए न्यूज़ चैनल लगाते हैं तो वहाँ पे बहुत चिल्ला चिल्ली चलती रहती है। क्या हम वो देखने के लिए गए हैं? वो सब कुछ देखने के लिए उन्हें फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी बोला गया है। तो इसी बारे में हम रोल ऑफ द मीडिया इन डेमोक्रेसी के बारे में आज थोड़ा पढ़ेंगे। तो मीडिया है, उसको हम फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी बोलते हैं। उससे पहले जो तीन पिलर हैं वो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कुछ स्टेक होल्डर हैं, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक तरफ है पीपल, एक तरफ है गवर्नमेंट और बीच में है मीडिया। मीडिया गवर्नमेंट के जो एक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन पीपल्स तक पहुँचाएगी और वो सारी जनता उनके काम को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करेंगे कि उनको किसको वोट देना है और फिर उसी पे बेस होके अगली सरकार बनेगी। तो ये रिलेशन है एक पीपल, मीडिया और गवर्नमेंट के बीच में। अब हम क्या रोल है मीडिया का? मीडिया एक पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन जो वोटर्स को सप्लाई करती है और वोटर्स उसी इंफॉर्मेशन को बेस करके अपना वोट डिसाइड करता है और उसी वोट के बेसिस पे एक सरकार बनती है। तो इससे हमें पता चलता है कि मीडिया का रोल किसी भी डेमोक्रेसी में कितना बड़ा है। ये मीडिया एक किस्म से वॉचडॉग है जिस पे हम रिलाई करते हैं कि ये पॉलिटिकल पावर्स में जो हैं उनकी गलत कामों को, उनकी गलतियों को सबको अनकवर करेगी। तो ये एक डेमोक्रेटिक कल्चर में मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब फिर मीडिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मीडिया को फ्री होके काम करना है तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीडिया मीडिया के लिए नहीं, ये एक इंडिविजुअल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट में आया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी जर्नलिस्ट, किसी एंकर और किसी इंडिविजुअल का सबके लिए सेम है। वो किसी जर्नलिस्ट या एंकर को कोई स्पेशल पावर नहीं देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जनता के लिए भी और जर्नलिज्म के लिए भी। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आदमी, जनता अपनी प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल रही है उसके बारे में जो ओपिनियन क्रिएट होगा, उसमें वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़ को, ओपिनियंस को, पॉलिटिकल व्यूज़ को अगर वो नहीं डालेंगे तो डाइवर्सिटी नहीं आएगी। और जब तक डाइवर्सिटी इन ओपिनियन एंड आइडियाज़ नहीं आएंगे, एक प्रॉपर डिसीजन क्रिएट, प्रॉपर डिसीजन नहीं बन सकता। तो यही चीज़ है कि मीडिया उन्हें इंफॉर्मेशन देगा जनता को, जनता उसको अपने आइडियाज़, ओपिनियन और पॉलिटिकल व्यूज़ में उसको एडजस्ट करके एक अपना डिसीजन मेड करेगी। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि मीडिया को की इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की एक पावर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसी तरीके से मीडिया की इंडिपेंडेंस भी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वो फाइनेंशियली वाइबल हो, वो पैसे के लिए किसी पे डिपेंड ना हो, जैसे मीडिया ओनर हो गया, या फिर स्टेट पे डिपेंड ना हो, ऑटोनोमसली काम करे, या उसके कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो, ये ना हो कि स्टेट किसी एक किसी पर्टिकुलर मीडिया हाउस को सपोर्ट करता हो। वैसे तो प्रैक्टिकल में तो होता है, जैसे कि अब नाम लेना तो ठीक नहीं रहेगा, जो जी न्यूज़ के ओनर हैं, प्रमोटर हैं, या रिपब्लिक टीवी के ओनर है या प्रमोटर हैं, वे दोनों के दोनों एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें मीडिया में ना हो, सो दैट वो प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सके। उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, जो प्रेस के राइट्स हैं, मतलब एक्सेसिबिलिटी और कहीं भी जाने की, तो सवाल पूछने के, ये प्रेस के राइट्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। मीडिया की अकाउंटेबिलिटी कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या मीडिया कोई सच या झूठ के बीच में डिफरेंस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, फेक न्यूज़ पेडलिंग तो नहीं कर रहा है, तो वो अकाउंटेबिलिटी भी सेट करनी बहुत ज़रूरी है। और एक मीडिया की कैपेसिटी इंक्रीज करने की, क्योंकि मीडिया अगर स्ट्रोंग होगी और ट्रू होगी तो उसका डेफिनेटली डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट्स पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और जो डेमोक्रेटाइजेशन हो, डेमोक्रेटाइजिंग मीडिया एक्सेस, तो एक्सेसिबिलिटी जो मीडिया की, उसकी उसको डेमोक्रेटाइज करने की बहुत ज़रूरत है। अब इंडिपेंडेंस जो है मीडिया की, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे डिपेंड, उसको बहुत सारी चीज़ चाहिए हैं। सिर्फ इंडिपेंडेंस देने से उसका जो वो मीडिया है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती, उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके लिए स्किल्ड जर्नलिज्म भी चाहिए होता है, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मैनेजमेंट स्किल की भी ज़रूरत होती है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ उनको, सो दैट कि वो ऑटोनोमसली काम कर सकें, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी उनको सपोर्ट करने के लिए होनी चाहिए, जैसे कि ट्रेड यूनियन हो गया, प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर जर्नलिस्ट हो गया, जैसे एडिटर गिल्ड्स गिल्ड होती हैं इनकी, तो ऐसे कोई और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इनको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहे। अब हम मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबसे पहले तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल होकर काम करे, सबसे दूसरा वो एक एक्टिव और न्यूट्रल रोल प्ले करे, सो दैट कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इंडिविजुअल के दबाव में आके कोई काम ना करना पड़े, और वो सबको एक जैसा ट्रीट करे। ये मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मीडिया की क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, और मीडिया की जो जिम्मेदारियां बनती हैं कि वे अपने कोई पॉलिटिकल कनेक्शन या उनके इंटरेस्ट में कोई काम ना करें, किसी भी ब्यूरोक्रेसी के दबाव में आके, या फिर उनके जो भी काम हो वो सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, वो किसी दबाव में आके कोई काम नहीं करना चाहिए। और जो है सबसे बड़ी बात ये है कि कोई डेमोक्रेसी ना किसी भी फ्री और न्यूट्रल मीडिया के बिना मीनिंगलेस है, क्योंकि जब सवाल जवाब करने का हक किसी को नहीं रहेगा, और जब लोकतंत्र में से लोग का कोई से नहीं है, कोई सवाल करने का हक नहीं है, तो फिर वो तंत्र तो लोकतंत्र लोगों का तंत्र तो नहीं रहा ना, तो इस तरीके से डेमोक्रेसी एक मीनिंगलेस हो जाएगा। मीडिया को फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, फोर्थ गवर्नमेंट ऑफ, और जो भी मीडिया आज तक काम करता रहा है, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए जितना भी काम किया है, वो आज से नहीं बल्कि 17th सेंचुरी से इसका काम रिकॉग्नाइज होता रहा है। अब ये एक वॉच डॉग का काम करता है, जो मीडिया है वो किसी भी डेमोक्रेसी में वॉच डॉग का काम करता है, ये पब्लिक के आँख और कान का काम करता है, ये हर वो डेली का इवेंट जो भी पब्लिक लाइफ में हो रहा है वो पूरी पब्लिक तक इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करता है, फैलाता है, उसकी रिपोर्टिंग करता है। प्रेस एक डिटेक्टिव की तरह भी काम करता है, एक एज ए डिटेक्टिव प्रेस को ज़रूरत है, मीडिया को ज़रूरत है कि वो एक बहुत फेयरली लॉन्ग टर्म डिटेल्ड और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करे, वो पब्लिक को हर उस रॉन्ग डूइंग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा की गई रॉन्ग डूइंग्स को रिपोर्ट करे,
उनकी स्टिंग ऑपरेशन जैसे करते हैं, उसको एक्सपोज करे, क्योंकि अगर वो एक्सपोज नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि नेपोटिज्म, करप्शन, फ्रॉड और अदर काइंड ऑफ क्राइम्स को। तो इस तरीके से एक एज ए डिटेक्टिव रोल, प्रेस एक एज ए डिटेक्टिव का रोल भी प्ले करता है। अब आगे जैसे चलते हैं कि लोगों को एक अवेयर करवाना कि आपके देश में, आपकी सोसाइटी में एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या हार्श रियलिटी। बहुत बार तो बहुत सारी हार्श रियलिटीज़ होती हैं जिनके बारे में उनको अवेयर करवाया जाता है। जैसे आजकल बरखा दत्त 60-65 दिन से रोड्स पे है, वो माइग्रेंट्स की हालात को आपको दिखा रहे हैं, आपको दया आ रही है, आप खुद उनके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और खुद सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार से बार बार सवाल पूछने की वजह से उनको श्रमिक ट्रेन भी चलानी पड़ी। तो इस तरीके से प्रेस एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। करप्शन जैसे करप्शन की एक्टिविटीज़ को वो जो सोसाइटी में प्रीवेलेंट है उनको एक्सपोज करने का काम करते हैं। जैसे ऑपरेशन कोबरा पोस्ट हुआ था, जो बॉलीवुड स्टार्स जो पैसे लेके किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को एंडोर्स कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे उनके लिए, तो उनके बारे में एक ऑपरेशन चलाया था और लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए भी मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो मीडिया को, ये तो सारी चीज़ है कि मीडिया की जिम्मेदारियों में मीडिया को क्या करना चाहिए, दीज आर द डूज ऑफ मीडिया, लेकिन डोंट्स ऑफ द मीडिया भी तो हो गए, जो चीज़ मीडिया को नहीं करनी चाहिए। मीडिया को हम अपने आप को एक ऐसी चीज़ों से दूरी बनाए रखनी चाहिए जो कम्युनल हारमोनी को डिस्टर्ब करे। जैसे कि आजकल आप बहुत देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अगेंस्ट दूसरी पर्टिकुलर ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बोल रही है। जैसे आप जी न्यूज़ पे देख लो, न्यूज़ 18 पे देख लो कि बहुत सारे तरीके से कम्युनल हारमोनी को डिस्टर्ब करने वाले आपको डिबेट्स देखने को मिल जाएंगे। और ये इस तरीके की डिबेट्स है वो एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं, वो एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करते हैं, टेंशन सोसाइटी में क्रिएट कर देते हैं, एक सेंसलेस वॉयलेंस क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉब लिंचिंग, अब एक नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं, कम्युनल हारमोनी है वो डिसरप्ट हो जाती है, तो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दूसरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे किसी चीज़ पे भी शक करके उस पर अटैक कर देता है। तो इन चीज़ों से मीडिया को दूर रहना चाहिए। जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो एक गुड गवर्नेंस के एडवोकेट की तरह भी काम करता है। कैसे करता है वो एडवोकेट की तरह काम, कि वो सिर्फ ये रिपोर्ट नहीं करेगा कि ये हुआ है, वो ये भी रिपोर्ट करेगा कि ऐसा ये हुआ है और इसमें ऐसा होना चाहिए था। जब वो एक गुड गवर्नेंस का एडवोकेसी करता है, वो करती है, तो वो सिटीजन की तरफ, एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरफ अपना इंक्लिनेशन दिखाती है, जो कि एक राइट पैरामीटर है एक गुड मीडिया का, एक गुड गवर्नेंस के एडवोकेट की तरह काम करने का। और अब हम कंक्लूड करते हैं इसका कि मीडिया ने बहुत मीनिंगफुल काम किए हैं। अगर मीडिया ऑनेस्ट है, कमिटेड है अपने काम के लिए, तो डेमोक्रेसी को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करने और फंक्शन करने में, और जितने भी लूप होल होते हैं डेमोक्रेसी के, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, उनको प्लग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और वो बहुत जल्दी प्लग कर लिए जाएंगे और डेमोक्रेटिक फंक्शन सिस्टम बहुत स्मूथली फंक्शन करेगा। लेकिन अगर इसके उलट, अगर मीडिया बायस है, करप्ट है, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी इंडिविजुअल को सपोर्ट करके बायस्डनेस दिखाती है, तो वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और कोई भी सिस्टम कभी भी इस बायस्ड मीडिया के साथ अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता है। तो मीडिया को ज़रूरत है कि वो अपनी बायस्डनेस को छोड़ के एक अपनी अच्छी जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करे, गुड गवर्नेंस के एडवोकेट की तरह काम करे, एक डिटेक्टिव की तरह काम करे। रोड्स पे जिस तरीके से आज एग्जेम्पलरी अपोजिशन एग्जेम्पलरी रोल प्ले किया है बरखा दत्त ने, वैसे कुछ
बहुत एग्जेम्पलरी रोल प्ले करने की ज़रूरत है। तो ये सब मीडिया के बारे में हमने जाना। थैंक यू। थैंक यू।